साथियों नमस्कार, मिसाल एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब क्लास की करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों 25 मई है और 25 मई को जितने करंट अफेयर्स होंगे हम लोग उन पर चर्चा करेंगे। साथियों एक बार हम आपको बता दें कि हमें ऐसा कोई करंट अफेयर्स मिला ही नहीं ज़्यादा कि हम आपको बताएं, दो तीन बड़े मुश्किल से मिला जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट लगे। वैसे तो बहुत घटनाएं घटी होंगी लेकिन हमें और आपको, चूंकि हम आप विद्यार्थी हैं तो एक विद्यार्थी के दृष्टिकोण से हम अपने करंट अफेयर्स को तैयार करेंगे। वैसे तो बहुत सारी जानकारियां होती रहती हैं, हम लोग टीवी में देखते हैं, समाचारों में देखते हैं, तो आज हम लोग ऐसे ज़्यादा कोई करंट अफेयर्स खास नहीं हैं। दो तीन टॉपिक आज हमको मिला जिस पे थोड़ा हमको लगा चर्चा करना चाहिए और जो भी टॉपिक होंगे थोड़ा सा आज हम उन पे विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स तो ज़्यादा है नहीं तो कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं जो चर्चा में हैं, दो तीन बातें, और उनको थोड़ा विस्तार से हम लोग देख लेते हैं। तो साथियों आज का जो पहला करंट अफेयर्स है वो चर्चा में रहा सियाचिन ग्लेशियर। आपको पता है सियाचिन ग्लेशियर के बारे में? सियाचिन ग्लेशियर आप देखेंगे तो ये कहाँ है, ये लद्दाख में है। लद्दाख चूंकि आपको पता है चीन और भारत का काफ़ी विवाद वर्तमान में चल रहा है, तो अब सियाचिन ग्लेशियर भी कहीं ना कहीं चर्चा में आ गया है, क्योंकि आपको पता है कि यहीं पे अक्साइ चिन भी है, अक्साइ चिन जिस पर चीन का कब्जा है। तो अब चीन किसी न किसी प्रकार से भारत को परेशान करने का प्रयास कर रहा है, पाकिस्तान को मतलब सपोर्ट दे दे करके पीछे से, और भारत को परेशान करने का प्रयास कर रहा है, और भारत की और चीन की सीमा, चीन की सेना भी एक दूसरे के सामने आ गई, तो काफ़ी स्थिति जटिल है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। तो सियाचिन ग्लेशियर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। आपको पता है कि यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। एक आध दो बार प्रश्न आया हुआ है कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है, तो यही साथियों सियाचिन ग्लेशियर ही है। आप याद रखिएगा, ये लगभग 5000 मीटर, आप सोच सकते हैं 5000 मीटर की ऊंचाई पर लगभग स्थित है, और यहाँ पर -50 में टेम्परेचर चला जाता है, -50 में टेम्परेचर चला जाता है। आप कल्पना करिए हमारे सेना के जवान कितने मुश्किल से यहाँ पे रहते होंगे और कैसे यहाँ की रक्षा करते होंगे। और हम सियाचिन ग्लेशियर के बारे में देखें तो ऑपरेशन मेघदूत 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाकर इस क्षेत्र पे कब्जा किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत आपसे पूछता है किससे संबंधित है, तो सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जे से संबंधित है। अगला, ये लद्दाख में स्थित है। आपको पता है लद्दाख वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को, आपको पता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग कर दिया गया है, दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इतनी बात आप याद रखिएगा डेट 31 अक्टूबर की। और आपको पता है यहाँ अब उपराज्यपाल होते हैं, यहाँ पर अब उपराज्यपाल होते हैं, तो उपराज्यपाल आर के माथुर साहब हैं, राधा कृष्ण माथुर इनका नाम है। ठीक है, ये हमने यहाँ भी लिख दिया है। इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना होगा तो आप ले सकते हैं, और हम दो चार बातें आपको बता दे रहे हैं। लद्दाख में कुल दो ज़िले हैं, दो ज़िले हैं, जिसमें एक का नाम है लेह, दूसरे का नाम है कारगिल। और आपको पता है कि यहीं पर सिंध नदी भी बहती है, सिंध नदी भी यहीं से बहती है। यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा से लगभग 2,90,000 यानी लगभग 3 लाख के आसपास जनसंख्या है। यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो इतनी बातें लद्दाख के बारे में हमने आपको बताया है, और कुछ बातें तो आपको याद ही रखना है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं, स्पेस ऑपरेशन स्क्वायड किस देश ने स्थापित किया है, तो यह देश है जापान। इसने किया क्या है, ये स्पेस ये होता क्या है, तो अब समझ लीजिए जापान ने अपने अंतरिक्ष में
जो उपग्रह भेजे हैं उनकी रक्षा के लिए यह एक बाह्य इकाई स्थापित की गई है जापान के द्वारा। तो ये पूछ सकता है कि स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन किस देश ने स्थापित किया है, तो जापान ने स्थापित किया है। और जापान के बारे में आपको पता है कि इसे पूरब का ब्रिटेन भी कहते हैं, पूरब का ब्रिटेन भी कहते हैं। और आपको पता है यहीं पर भारत का यहीं पर अगस्त 1945 में अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम भी गिराया था। यहाँ पर कुल चार द्वीप, मुख्यतः चार द्वीप हैं, होन्सु, होकाइडो, सिकोकु और क्यूसु। ये कभी कभी आया हुआ है, एक बार पीसीएस में ये क्रम मिलाने के लिए आ गया था कि ये क्रम बताइए, क्रम से कौन कौन से द्वीप स्थित हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। और जापान की राजधानी टोक्यो है और टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है, होन्सु पर स्थित है, ठीक है। अब आपको एक बात और बता दें कि जापान का और भारत का बहुत अच्छा संबंध है, इसलिए जापान हमारे लिए कभी कभी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो जापान के बारे में इतनी जानकारियाँ हैं। अगला, किस देश की नौसेना ने हवा में उड़ रहे फाइटर प्लेन को लेजर से मारने की क्षमता हासिल कर ली है? तो साथियों, ये अमेरिका की है। अब ये चर्चा में क्यों है? आपको पता है कि अमेरिका और चीन में इस समय तनातनी हो चुकी है, और आपको पता है कि अमेरिका ने सीधे सीधे कहा है कि हमारे और चीन के बीच में अब शीत युद्ध चलेगा। शीत युद्ध क्या होता है? शीत युद्ध वह युद्ध होता है जिसमें केवल एक दूसरे से बातचीत करके झगड़ा करते हैं, ना कि हथियार के माध्यम से पीठ के पीछे उनकी बुराई करते हैं, उनको बदनाम करने का प्रयास करते हैं। जैसे गांव में होता है ना, दो पड़ोसी आमने सामने ना आए, यानी मारपीट ना करें और एक दूसरे से घूम घूम के गांव में बुराई कर करके एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करें, इसी को कहते हैं शीत युद्ध। तो इस बीच अमेरिकी नौसेना ने एक लेजर का विकास किया है, और लेजर ने एक जो ड्रोन उड़ रहा था, ड्रोन को लेजर के माध्यम से नौसेना ने लेजर मारा और ड्रोन मतलब दग के नीचे आके गिरा। तो ये पहली सेना है, अमेरिका की पहली नौसेना है जिसने लेजर के माध्यम से फाइटर प्लेनों को मारने की क्षमता हासिल कर ली है। तो ये बात आप अमेरिका के बारे में याद रखिएगा। और आपको एक बात, आपको पता है कि अमेरिका इस समय सबसे ज़्यादा कोरोना से पीड़ित है, लगभग 17 लाख के ऊपर वहाँ मरीजों की संख्या पहुँच गई है। डोनाल्ड ट्रंप महोदय वहाँ के राष्ट्रपति हैं, और आपको पता है कि वहाँ का राष्ट्रपति केवल और केवल अपने जीवन में दो बार राष्ट्रपति बन सकता है, केवल दो बार, ठीक है। तो इसी से संबंधित हमारा एक प्रश्न है आपको कि अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम कितने साल तक, यानी कुल कितने साल तक राष्ट्रपति रह सकता है, ये हमारा पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है आज का हमारा कि संविधान में, भारतीय संविधान में कितनी बार मंत्रिमंडल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो आपके लिए आज हम दो प्रश्न दे रहे हैं, दोनों को कमेंट्स बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है, ठीक है। ये दोनों प्रश्न आप ज़रूर बताइएगा। मंत्रिमंडल शब्द का हम पूछ रहे हैं, मंत्रिमंडल कितने बार इस्तेमाल हुआ है संविधान में, इसको, इन दोनों प्रश्न का उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइएगा, हम कमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।